इस टाइम जी मैं बहुत ज़्यादा सारे भैन भरावों की इमदाद की जरूरत है। तो सारे भरा मेरे भैन भरावों की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 जिन्नी हो सके मेरी इमदाद करो और मैं अपना जो घर बना सकता, क्योंकि सारी फैमिली के बच्चों मेरी जिनी यूट्यूब फैमिली है और इतने वाले जिन्हें भी मेरे चाहने वाले है उन्होंने सिर्फ मैं घरों बेघर हाँ और मेरे को अपना घर नहीं है। इस करके लिहाजा सारे भैन भाई को छोटी रिक्वेस्ट करता कि सारे भैन भाई मेरी थोड़ी जी इमदाद करो ताकि मैं अपना घर बना सकता। ताडा एक एक रुपया दिता हुआ मेरे वास्ते जी हज़ारों के लखों के बराबर होना, एक एक रुपया सारे भैन भाइयों का दिता हुआ मैं वो मेरे वास्ते लखों के हज़ारों के बराबर होना। इस करके सारे भैन भाई मेरी सपोर्ट करो जिन्नी हो सकती प्लीज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम। साड़ी दुआ कि साडे भैन भाई अल्लाह ताला खुश रखे, शादो आबाद रखे। इसे दुआ नाल करते हैं अज्ज की वीडियो शुरू। अज्ज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जी गुजारिश करे, भैन भाई ने मेरा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल आज तक सब्सक्राइब कर लो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तक बार वक्त पहुँच रहे। करते हैं जी अज की वीडियो शुरू। अज की वीडियो कुछ इस तरह का जुम्मे का दिन सगा, तो जुम्मे का दिन जिदा सारे भैन भाई ने पता कि साढ़े को बहुत ज़्यादा सख्त होंगे जी, यानी कि जुम्मे वाले दिन गर्मियों के दिन अच्छ बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी है। तो सुबह के अज यकीन करो आप भी और बच्चे भी गर्मी के तड़फ गए सुबह से। कमरा मेरा जोड़ा वा उस जिदा के देख सकते मूँह जोड़ा वा कमरे का ये लेंदे वाली सैड में जी, तो लेंदे वाली सैड में 11 बजे धुप आ जाती है, वो अंदर तक धुप चली जाती है, ये जो अंदर तक धुप जाती है कमरा गर्म हो जाता। प्लेट लिया के रखी सी उत्ते औखे सौखे होकर प्लेट लई सी एक भी चलो बच्चे बच जाएंगे गर्मी तो। मैं तो जी सारी दिहाड़ी समझ लो भी बाहर गुजारी है गली दे पै गए औखे सौखे हो गए बाहर एक निकाय बूटा शरीन का खड़ा वा सामने और सामने बूटा खड़ा शरीन का वो थले गुजारी चार पी हजे मेरी उत्थे पई है। तो बच्चे अंदर कभी अंदर सके कभी बाहर सके बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुश्किल के दिन गुजारे। कूलर परछावा आया इधर दीवार ने थोड़ा जहा परछावा आया वा तो ये आने के थोड़ा जहा बच्चों कुछ सुकून होया। कमरे का तो समझ लो सीधी देख सकते धुप हजे भी अंदर जा रही है और अगे तिकर आखिर तिकर धुप गई हुई कमरे की, यानी कि दरवाज़ा खोलते हैं तो वह अगे आखिर द्वार के नाल चक जी धुप गई हुई है जिस तक रोशनाई जा रही है धुप की उत्थे तिकर जा रही नज़र पै रही है उत्थे तिकर साड़ी धुप गई सामने सूरज की और सामने अगर द्वार ने जाके लगी हुई है जैर के पिंग के बच्चों पता लग रहा। तो इधरली सैड तो कूलर अज सारी दिहाड़ी हजार दी अज इदा गुजर गई कभी अंदर कभी बाहर क्योंकि अंदर सेक बहुत ज़्यादा सगा थोड़ा जहा सगा तो साया आया वाया द्वारा दोवह का वाशरूम वाली द्वार का इस द्वार का तो बच्चों क्ड के इतने लिया कुछ सुकून होया बच्चों रमरानी तबीयत अज कुछ सैट हुई है जी, दो दिन तबीयत खराब हुई है तो मूँह वेख लो किमें फिर ने चूही वगू कर लिया इदा ही है इतनी छोटा जहा मूँह निकल आया मेरे पौधा ना इदा ही ना कोई गल नहीं मेरी सुनी कोई गल नहीं पता ठीक हो गया है बरनोला उतार दिता सीगा सची। चल मेरा पुत हूँ मैं ना अपनी धी वास्ते कुछ कर दा वा किसी को पैसे पुसे फड़ दे फड़ के ते कूलर का कोई इंतजाम कर दे। कूलर तीन चार साल पहले चार साल पहले लिया सीगा जी ये समझ लो भी वो कह रहे हैं कि इलैक्ट्रीशियन कह रहा कि काफ़ी सारा काम होना करवाना पैना वा जरा सोचा यदा यह भी खराब हो चुका वा और अंदर जो फ्रेम और मोटर दोनों सड़ गई उन्हें तो कह रहे कूलर तो उन्ने की है जी मोटर है मोटर सवेरे आए है उन्होंने खोली है खोल के देखते चेक करके वो गए तो मोटर बच्चों सड़ गई हुई है पर शर हर चीज़ सैड देते हाँ हाँ पुता वो कह गया मोटर सड़ गई है खत्म हो गई है मोटर हूँ देखते हैं मैं कर दा किसी ने गल कह रहे कि जी आ जो अंदर ये फ्रेम आ फ्रेम भी आ नवा लगना जी आ सारा फ्रेम भी नवा लगेगा और आ मोटर भी नवी पैगी जो तो मोटर नवी पैनी है साफ सुथरा आ जो पार ये भी नवे पैने और यदा सोच ये भी नवा पैना अगली साइड वाला हाँ पुत सारा कुछ नवा पैना ये हाँ सारा कुछ मेरा पुत नवा पैना दुआ करो लम्बी सू पैसे दे तो असी ना यदा फिर कूलर दे देखते हैं कूलर का की करना मोटर पवाने या नवा कूलर लैने ठीक है सही है ना अज खुश हाल है ना हैं अज खुश हाल है मैं कह हां जी है के पैसे कितने
मेरी जेबी जा पुत, मेरे को पास 10-20 रुपये है मेरी जेब दे विच। अज पापा को पैसे हैं नहीं गए मेरी थी। अल्लाह मियां दऊगा पापा को बस अज आ ही पैसे आवे आ दो आ एक आव ते एक आव बस 20 रुपये पापा की जेब च बस अज फटफट। मेहर पुत ना करो, गर्मी ने तो जी की अज खीर। हाँ जी पुत चीज लैके आनी है। चीज लैके नहीं आ रही। अच्छा जी चलो ले आना जी। मैर बार बार जाता अंदर ते अंदर तो इन्नी खबसा टीरा गार्डन की छत है इन्नी खबसा अंदर के हाथ सा दी। मैं रोकया भी अंदर ना जा इतने बहर साए के उत्ते जिते पे हैं इतने बैठे रहो साए के उत्ते। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी वो कहना मैं अंदर ही जाना तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर। चुप कर मेरा पुत चुप कर। अपना कुछ हिसाब लाने कूलर का हिसाब ला के तो कूलर का सैट करवाने जब मैं कहना इदा कर दे फ्री दिन कहते सू ना सैट कर दे पैसे फिर तेन 4 दिन ठहर के दे देवे। अभी सैट करा लेने कहते तुम सैट सू कर दे इन सैट करवा भी उन्ना ही पैसे लगने हैं नवे तो भी उन्ना ही लगने क्योंकि कीमत सारी है मोटर की है। मोटर साड़ गई ये मोटर नहीं सही होनी कहते मोटर हूँ तू नवी लवानी पैनी है। मैं भी जड़ी जगह सारी दिहाड़ी मैं गुजारी है। मैं भी दिखा अशरीन का बूटा खड़ा घर के सामने तो चार पाई जड़ी है ये रखी हुई सी। फस्ट टाइम अखोरी जी सारी सैड से हटाई है बहन वास्ते इतने जगह कोई नहीं सी। फस्ट टाइम मंजी डाई रखी है इस साइड के उत्ते शरीर ने परली साइड के ते हूँ लैन दी इस साइड के उत्ते साया आ गया इस साइड से लैन दी है। गर्मी ने भी बहुत ज़्यादा जखीर की हुई सी अल्लाह ताला चंगी करेगा। पिंड का माहौल जी असर की जान हो चुकी है। बहुत ही प्यारा मौसम बन गया गर्मी पैन तो बाद। हफ्सा बनी बहर मंजी से आगे बैठे हुए बारिश आप जी हम तुम भी आ गए हो अंदर तो बड़ा सेक होना थोड़े को बैठक से। मेरे आज सारी दिहाड़ी शरीर थले गुजर गई यार कूलर खराब हो गया साडा तो अंदर तो बहन दिल नहीं करता इन्नी अंदर हबसा यकीन कर। बाकी जी जो यूरोप मुल्कों में रहने वाले साडे भैन भाई अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तेरी तलीम दिलानी हो मेरे नाल राबता कर सकते क्योंकि हफ्सा अजकल फ्री है तो ये हफ्सा बच्चों ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं। जेड़े जेड़े मेरे भैन भाई देखने वाले मैं उन्होंने बच्चे बच्चों उन्होंने कुरान शरीफ की तलीम दिलानी हो मेरे नाल राबता करन तो मैं अगो हफ साहब का राबता नंबर दे देवे तो हफ साहब ने अपने बच्चों को तलीम जी हफ साहब को दिला की गल पुत है गर्मी लगन दी है। कोई गल नहीं मेरा सुना मैं ना कुछ कर दा अपने पुत वास्ते ठीक है ना वे कि मैं पसीना आया पाया है सारा पसीना भेजा पाया इतने पै के मैं कुछ कर दा ठीक है ना लियाने किसी पासों मोटर बस ये मैं टेंशन बनी हुई है सुबह तो बस इस परेशानी की टुरै फिर भी एडा वड्डा नुकसान हो गया मोटर का। उस टाइम जिस टाइम लिया उस टाइम तो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम गरंटी है जो भी मोटर सड़ गई तो मोटर असं तुम बदल के देवे लेकिन हूँ कहें जी नहीं जी भाई ये एक साल की वारंटी होंगी है मोटर तुम हम नवी पानी पैनी है। हाँ जी पुत तुम नहा लिया वा है गर्मी लगती है कपड़े पाले ना कपड़े पाले हैं चलो ठीक है कपड़े पालो ना आना के फटाफट। बाकी जी जिदा कल आसिया ने वीडियो बनाई सी उन्हें सारे भैन भी अगर रिक्वेस्ट की आसिया ने आज मैं अपनी तरफ रिक्वेस्ट कर दा सारे भैन भी अगे कि प्लीज़ प्लीज़ अगे मैं बहुत ज़्यादा बार बहुत ज़्यादा अमदाद की है हेल्प की है बहुत ज़्यादा लोगों की तो हम मैं खुद ने जरूरत है जी कुछ पैसे मेरे को पे आ तो कुछ थोड़े पैसे मैं जरूरत आ
और मेरे जिन्हें भी सारे भैन भाई देखने वाले आ प्लीज़ मेरी थोड़ी जी इमदाद करो, क्योंकि मैं इस टाइम इमदाद की जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा ताने सुनने वास्ते मिलते हैं कि कहते हैं कि तू रमज़ान में इन्ना कुछ बाहर तकसीम कर दिता तो खुद क्यों नहीं रखिया है, अद्धे तू बाहर दिता अद्धे आप रखता तो अज तो अपना घर बना लेंदा, लेकिन मैं क्यों करता? जिवें मेरे भैन भरावों की अमानत आई सी, जिस जिस चीज़ वास्ते आई सी काम जोड़े मैं रमज़ान के अपने भैन भरावों के मेरे जो जुम्मे लगे से मैं किए। बाकी जी मैं उम्मीद करा सारे मेरे भैन भाई मेरी पूरी सपोर्ट करेंगे और मेरी पूरी तरह तरीके जिन्ना हो सकिया मेरी इमदाद करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जिदा मेरी इमदाद हुई तो मैं अपना प्लाट लवागा, अपने महल्ले ही प्लाट लैना जी मैं, तो प्लाट लैके उ कमरा बना के और वाशरूम बना के चार दीवारी करके अपने बच्चे लैके उधर चले जावगा।